जी तो ये है हमारी मिक्स चिकन हड्डियों की सब्जी, यानी कि चिकन तो है नहीं इसमें, हड्डियाँ 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 हैं, आज जिसका मैंने बताया था कि सूप और यखनी के लिए बेहतरीन होती हैं, तो हमने इसमें अस्सलाम ली। वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हड्डियों की सब्जी। तो कैसे बनेगी? तो ये आधी कप मैंने लिया है ऑयल, और इसको ये हड्डियाँ हैं सारी, गर्दने और जो भी पिंजरे और जो होते हैं, ये पावर की तरह धो के और इसमें डाल डालिए। इसको करेंगे फ्राई 2.5 मिनट तक। चिकन की हड्डियाँ फ्राई हो चुकी हैं, तो ये मोटा मोटा कटा हुआ एक बड़े साइज का प्याज है, ये डाल दिए। और ये 2 अदद फ्रीज किए हुए टमाटर हैं, हल्दी 1 खाने का चमचा, खुश्क धनिया पिसा हुआ 1 खाने का चमचा, लाल मिर्च 1/2 खाने का चमचा, नमक 1/2 खाने का चमचा, गरम मसाला 1/2 खाने का चमचा, और बस इसको मिक्स कर लें और इसको डाल देते हैं 1/2 कप पानी, और बस इसको मिक्स कर लें ताकि ये यकजान हो जाए। इसको 4 मिनट तक मिक्स करना है, पकाना है। ये सब्जी काट के मैंने फ्रीज की हुई थी, इसमें 1/2 फूल गोभी का है, और इसमें 1/2 मटर है, और 1/2 जो है वो गाजर है। तो ये सब्जियां जो है ना मिक्स अप बनाएंगे, तो ये इसमें डाल दिए। और ये अभी थोड़ी सी फ्रीज है तो इसको दम पे रख देते हैं, तो ये अभी खुल जाएंगी थोड़ी देर, ये दम पे रख देते हैं, ये अभी खुल जाए। हड्डियों की सब्जी को अब आ चुका है दम, अब इसको हम चेक करते हैं। और पानी के बगैर ये सब्जी बनाई है और बहुत ही मज़ेदार लग रही है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और बिल्कुल रेडी हो चुकी है, क्योंकि चिकन तो हमने पहले ही भून लिया था, तो और आलू मटर गाजर वगैरह सब जो है वो सही गल चुके हैं, गोभी भी दम के अंदर ही। और पानी कोशिश क्या करें कि सब्जियों में ना डालें, उससे टेस्ट ख़राब हो जाता है, कलर भी ख़राब हो जाता है, और अफादियत उस तरह नहीं रहती। आलू भी अगर आप दम पे रखें ना, भुजिया वगैरह जो बनाते हैं वो भी गल जाते हैं। तो अभी भी इसकी गार्निशिंग करते हैं, और सर थोड़ा सा इसके ऊपर मेथी, खुश्क मेथी पिसी हुई ये डाल देते हैं, और बस मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है हमारी मिक्स चिकन हड्डियों की सब्जी, यानी कि चिकन तो है नहीं इसमें, हड्डियाँ 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 हैं, आज जिसका मैंने बताया था कि सूप और यखनी के लिए बेहतरीन होती हैं, तो हमने इसमें भी यूज़ कर ली है, और दम पे हमने इसको बनाया है फटाफट से। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।